हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा। और ये मैंने बिल्कुल नए तरीके से बनाया है। इसमें मैंने दो ब्रेड स्लाइसेस ली है, एक को बिल्कुल थिन तरीके से लिया है, तो आपका जो ब्रेड बनेगा वो एकदम बाज़ार में मिलने वाला ब्रेड का जो क्रस्ट होता है बिल्कुल उसी तरह का रहेगा, एकदम थिक रहेगा, सॉफ्ट रहेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसमें जो आपको है ना बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि ये ब्रेड पिज़्ज़ा है, ऐसा लगेगा बिल्कुल मार्केट का बना हुआ पिज़्ज़ा है। तो इसे बनाने के लिए मैंने जो ब्रेड ली है वो बड़ी साइज़ की ब्रेड, जो बड़ी साइज़ वाली ब्रेड मिलती है उसे लिया है। और उसे सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसके जो साइड्स हैं उन्हें काट के हटा देना है, क्योंकि वो बिल्कुल टूट जाते हैं। तो हमने इस तरह से उसके जो किनारे हैं उन्हें काट के हटा देते हैं। तो ये हमारी ब्रेड तैयार हो गई। अब इस ब्रेड को हमें क्या करना है, थोड़ा सा पतला करना है। तो बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा चपटा कर देंगे, फ्लैट हो जाएगा। उसी तरह से एक और ब्रेड लेनी है जिसके भी हमें साइड्स हटाने हैं, लेकिन इसे हमें पतला नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं कि नीचे वाली थोड़ी सी बड़ी है और ऊपर वाली थोड़ी सी छोटी। अब जो नीचे वाली जो ब्रेड है उसके ऊपर हम लगा देंगे हमारा पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस इस तरह से हमने लगा दिया। इस पर हमने मोज़ेला चीज़ लगा देते हैं। मोज़ेला चीज़ डालने के बाद हम इसमें हमारे जो भी स्पाइसेस है वो डालते हैं। तो सीजनिंग के लिए मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और साथ ही साथ मैंने इसमें ओरिगैनो डाल दिया है, तो उसके जो खुशबू है वो भी आ जाएगी। अब हम इसमें हमारा जो सेकंड ब्रेड था वो लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी छोटी पड़ेगी, लेकिन ये जैसे ही ये जो चीज़ है वो पिघलेगा ये दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी। अब इसके ऊपर भी हमें हमारा जो पिज़्ज़ा सॉस है उसे लगाना है, और अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इस पर लगा देंगे हमारा मोज़ेला चीज़। चीज़ को अच्छे से पूरी तरह से चारों तरफ इसे लगा लें। और चीज़ लगाने के बाद आपकी जो भी सीजनिंग लगानी है, तो मैंने जैसे इसमें शिमला मिर्ची और प्याज का इस्तेमाल किया है, तो इस तरह से आप शिमला मिर्ची प्याज लगा लें। अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, पनीर लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कॉर्न लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा चीज़ मैं इसके ऊपर से भी डाल देती हूँ, तो ये एकदम बढ़िया हमारा चीज़ बस पिज़्ज़ा बन जाएगा। अब हमने चिली फ्लेक्स डालने हैं और थोड़े से मिक्स हर्ब्स या फिर ओरिगैनो जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस पर डाल दें। तो बस ये हमारा जो पिज़्ज़ा है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे पैन में ले लेते हैं। तो पैन को हम प्री हीट या कुछ नहीं करेंगे, सीधा सा हम इसे पैन में रखेंगे, ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है। पैन में ब्रेड को रखने के बाद ही आप गैस को ऑन करें, वरना जो हमारा चीज़ के पिघलने से पहले ही ब्रेड सिक जाएगी। तो हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे, ताकि कि ब्रेड भी सिके और हमारा जो मोज़ेला है वो भी अच्छे से पिघल जाए। तो देखिए 5 मिनट बाद आप देखो कि मोज़ेला बहुत अच्छे से पिघल चुका है और नीचे की जो हमारी ब्रेड है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल 5 मिनट में एकदम बाज़ार वाला पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है। बहुत टेस्टी भी बनता है। अब मैं आपको इसको काट के भी दिखा देती हूँ कितना बढ़िया बना है। देखिए मैं इसका 2 पीस करके दिखाती हूँ आपको। अंदर का जो चीज़ है वो पिघल के एकदम चीज़ी हमारा जो है पिज़्ज़ा है बहुत ही बढ़िया बन गया है। आप देख लीजिए कितना बढ़िया इसका क्रस्ट, देखिए नीचे के दोनों ब्रेड एक दूसरे से बिल्कुल जॉइंट हो चुके हैं और नीचे वाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार के पिज़्ज़े जैसा है, और ऊपर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये जो है बिल्कुल थिक जो है हमारा क्रस्ट इसका तैयार हो गया है, और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखें, क्योंकि आई एम श्योर कि आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। ये ब्रेड से बनने वाला एक बहुत ही आसान पिज़्ज़ा है, जो बिल्कुल मार्केट के पिज़्ज़े की तरह इसका टेस्ट देता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि सारे मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।